और आज का प्रेजेंटेशन देने के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे लीडर मिस्टर सतीश हाटे जी को। और सतीश जी आज पीपीटी के माध्यम से प्रेजेंटेशन देंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि प्लीज आप स्क्रीन मोड पर रहे। इनका प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है, बहुत इंफॉर्मेटिव है। आप अगर इन प्रेजेंटेशन को सुनेंगे और समझेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। तो प्लीज स्क्रीन मोड पर आइए और इसको ध्यान से सुनिए। वेलकम सतीश हाटे जी। थैंक यू धनंजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोगों का, जितने भी मेंटर्स हैं, सभी लोगों का मैं हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा। आज के इस प्लेटफॉर्म में मुझे फिर से मौका मिला है और एंजल ग्रुप की तरफ से मैं मेरे सभी मेंटर्स का, हमारे टीम के सभी मेंटर्स का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जो जिनकी बदौलत आज मैं कुछ एक नेशनल लेवल की मीटिंग के अंदर रिप्रेजेंट करने का मुझे मौका मिलता है जाला लाइफस्टाइल को। और मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं देने की कोशिश करूँ और ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन लोगों तक जितना आसानी से जाएगा उतना ये लोगों को डुप्लीकेशन करने में बहुत बहुत मदद करेगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब जितने भी लोग यहाँ पर अटेंड कर रहे हैं वो उनका दिमाग अगर बिल्कुल खुला रखें, बिल्कुल पैराशूट की तरह, क्योंकि पैराशूट तभी काम करेगा जब वो खुला रहेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी आप यहाँ पर हैं, वी आर ऑलमोस्ट नाउ 825 पीपल, तो सभी लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि केवल केवल इस स्क्रीन के ऊपर ही आप ध्यान रखें और जो यहाँ पर बताया जा रहा है केवल उसी के ऊपर ध्यान दें। बाकी जो भी आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं उसको प्लीज़ जब तक ये सेशन कंप्लीट नहीं होता तब तक उसको आप साइड में रखें। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन नाउ। सो दोस्तों, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, योर माइंड शुड बी ओपन एंड इट शुड वर्क लाइक अ पैराशूट। सो अभी हम लोग जूझ रहे हैं कोरोना के क्राइसिस में, बहुत बहुत दुखद समाचार हमको देखने को सुनने को मिल रहे हैं। हमारे जन परिजन हमसे बिछड़ते हुए हमको देखना पड़ रहा है एंड एवरीवन इज़ फाइटिंग, सभी लोग फाइट कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ क्राइसिस सिचुएशन इन इंडिया और ये सेकेंड लेयर जो ये बहुत ही घातक है। और अभी भी पिछले साल तो चलो लोगों ने मौज मस्ती करते करते वो लॉकडाउन का दौर जो था वो गुजार लिया, लेकिन इस बार दिस कंडीशन इज़ वेरी वेरी सीवियर, इट इज़ क्रिटिकल। सो ये क्राइसिस सिचुएशन के अंदर हमको हमारी रोजी रोटी तो चलानी ही पड़ेगी, हमको हमारा काम तो करना ही पड़ेगा। तो एक नया दौर, एक नई सिस्टम हमारे पास आ गई है और उस सिस्टम को, उस क्राइसिस को इस अपॉर्चुनिटी में कैसे बदलना है इसको हमको देखना पड़ेगा। सो ये क्राइसिस सिचुएशन ज़रूर है, लेकिन जितने लोग इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में तब्दील करते हैं, उसको बदल करते हैं, वही विनर हो जाता है। और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं आज के ज़माने में अगर आप देखोगे उनकी अगर सक्सेस स्टोरी अगर देखोगे, उन्होंने हमेशा मुसीबत की घड़ी को अपॉर्चुनिटी के अंदर बदल दिया है, तभी वो जाके कामयाब बने हैं। सो ये मौका आप सभी लोगों के पास मिलता है। मेरे लिए पैंडेमिक मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन गई, बिकॉज इस पैंडेमिक की वजह से ये जूम मीटिंग के माध्यम से हम ऑनलाइन काम करना शुरू कर दिए। जो फिज़िकल जाके लोगों के साथ में जाके काम करना पड़ता था, ऑफिसेस में जाओ या कोई अपने बिजनेसेस करो तो वो फिज़िकल जाके करना पड़ता था, वो आज आज इस पैंडेमिक के सिचुएशन के अंदर जूम मीटिंग्स के माध्यम से एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम करने का मौका मिल जाता है। एंड दिस इज़ आई रियली लाइक वर्क फ्रॉम होम। लोगों से, पूरी दुनिया के लोगों से आप मिल सकते हो और उनके साथ में आप अपना कारोबार एक्सचेंज कर सकते हो और अपना कारोबार बढ़ा सकते हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, सो अपना इट इज़ एक्चुअली एन अपॉर्चुनिटी, रियल अपॉर्चुनिटी, और जितने लोग इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे उतना आप लोगों का बेनिफिट हो जाएगा। सो द वेट फॉर लग्जरी लाइफ स्टाइल इज ओवर नाउ। जो भी आपके सपनों की जो दुनिया थी जिसका हम बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते थे कि ये ऐसी लाइफ मेरी होनी चाहिए, ओके, तो ये जो वेट है ये आपका बिल्कुल ख़त्म हो चुका है जा लाइफस्टाइल के माध्यम से। कैसे, हम आपको अगले स्लाइड्स में बताएंगे। सो व्हाट इज़ जा लाइफस्टाइल और कौन कर सकता है इसको? एनीबडी कैन डू दिस, एनीबडी। इसका कोई मतलब रिक्वायरमेंट ऐसा सच नहीं है कि भाई ये बंदा नहीं कर सकता है, इसका एजुकेशन नहीं है, ये नहीं कर सकता, या इसको मोबाइल फ़ोन ऑपरेट नहीं करना आता है। वो एवरीबडी कैन डू इट, बस उसको सीखने की इच्छा होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, आई डोंट नीड टू सेल एनीथिंग, आई डोंट नीड टू ज्वाइन एनीबडी। मैं बिना किसी को ज्वाइन करके भी इस कंपनी के अंदर मैं पैसा कमा सकता हूँ, बिना किसी को कोई प्रोडक्ट बेचे या सर्विस बेचे मैं इस कंपनी के अंदर पैसा बना सकता हूँ। और माय डियर फ्रेंड्स, इट इज़ एब्सोल्युटली द मोस्ट ईजीएस्ट वर्क, ईजीएस्ट थिंग टू डू इज़ टू ज्वाइन जा लाइफस्टाइल एंड मेक मनी।
सो व्हाट एग्जैक्टली इज जा लाइफ स्टाइल? जा लाइफ स्टाइल एग्जैक्टली क्या है, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं. एंड इट इज़ नॉट अ मनी रोलिंग प्लान. ये कोई मनी रोलिंग प्लान नहीं कि भाई आप इतने पैसे दोगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा. नॉट एन इन्वेस्टमेंट प्लान, या कोई ROI बेस्ड प्लान नहीं कि भाई आपको मंथली रिटर्न्स या मंथली ट्रेडिंग प्रॉफिट्स आपको मिलेंगे. कोई प्रोडक्ट सेलिंग नहीं है, कोई हेल्पिंग प्लान नहीं है, कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. ओके और ये सारी चीज़ें जो आज नॉर्मली जो मार्केट में चल रहे हैं और जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ का मतलब लोगों ने अपने नुकसान काफ़ी हद तक किए गए हैं. पीपल हैव लॉस्ट देयर मनी, पीपल हैव लॉस्ट देयर बिजनेसेस. ओके तो ये सब कुछ यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है. ओके सो व्हाट इज़ दिस और ये क्या है एग्जैक्टली? सो जा लाइफस्टाइल इज़ कनेक्टेड टू द एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री. और एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है. इट इज़ क्रिएटिंग बिग बिग रेवेन्यू इन द एंटायर वर्ल्ड. मतलब ये समझ लो कि जो इकोनॉमी चल रही है पूरी दुनिया के अंदर, उसमें अंदर एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल होता है. और ये एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के बहुत सारे ब्रांचेस हैं. सबसे पहले जब पुराने ज़माने में अगर हम देखोगे तो एडवर्टाइजमेंट्स हम लोग देखा करते थे न्यूज़पेपर्स के अंदर, पैम्पलेट्स के अंदर, लीफलेट्स के अंदर, जो डिस्ट्रीब्यूट होते थे, गली गली डिस्ट्रीब्यूट होते थे. ओके बाद में ये थोड़ा सा और डेवलप होता गया मैगजीन्स के अंदर, फिर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगने लग गए, इंटरनेट पे चल, रेडियो पे चल गया, टेलीविज़न पे चल गया एडवर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया. तो ये बहुत बहुत उनके पैटर्न्स तैयार हो गए और जिसके माध्यम से लोगों तक पहुंचने का एक ज़रिया ये एडवर्टाइजिंग का बनना शुरू हो गया था. उसके साथ में और डेवलपमेंट होती गई उसी सेक्टर के अंदर. डिजिटल एडवर्टाइजमेंट का बहुत बड़ा दौर शुरू हो गया पिछले 8 से 10 सालों के अंदर, जिसके माध्यम से पूरी दुनिया तक ये एडवर्टाइजिंग पहुंचाने का काम, ये किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विसेज को इन डिजिटल एडवर्टाइजिंग के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम शुरू हो गया. तो उसमें एक सबसे बड़ा जरिया है वो है टेलीविज़न चैनल, बिकॉज ये हर घर में अब आपको देखने को मिलता है टेलीविज़न. तो टेलीविज़न चैनल्स के अंदर बहुत सारे मतलब बहुत सारे हर कंट्रीज़ के अंदर अपने अपने चैनल्स होते हैं. किसी के कंट्री में 5 चैनल्स है, 10 है, बट इंडिया इज़ ऑलवेज़ अहेड इन एंटरटेनमेंट. और आप देखोगे गूगल में तो 850 TV चैनल्स आपको इंडिया में ही रजिस्टर्ड मिलेंगे. और ये आंकड़ा जो है वो 2018 का है. ओके सो इट इज़ द हाइएस्ट, इट्स द बिगेस्ट कंट्री. और ये टेलीविज़न चैनल्स जो जितना आई मीन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है या न्यूज़ इंडस्ट्री है, ये अगर आप देखोगे तो इंडिया में बहुत बहुत ज़्यादा ये फैला हुआ है. सो इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री इन इंडिया ऑल्सो. और ये पॉपुलर चैनल्स है, आप देख रहे हैं इसके अंदर बहुत सारे पॉपुलर चैनल जिसको हम लोग बड़ी मतलब वी इंजॉय देम वॉचिंग. तो जब भी आप टीवी चैनल्स देखते हैं तो उसके अंदर हमको बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स देखने मिलते हैं. तो ये एडवर्टाइजमेंट्स क्या है, कैसे है? ओके ये एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं ये आप देखोगे इट्स अ ह्यूज ह्यूज इंडस्ट्री. जैसे मैंने शुरू में बताया था पिछले साल तक का जो एक्सपेंसेस था इसके अंदर दैट वॉज ऑलमोस्ट $357 बिलियन. इट इज़ नॉट मिलियन, इट इज़ $1 बिलियन. और इस साल एंड तक ये एक्सपेक्टेड ग्रोथ जो है वो $393 बिलियन की रहेगी. और अगले साल तक 2022 तक ये एक्सपेंसेस बढ़ जाएगा, ये वॉल्यूम बढ़ जाएगा $427 बिलियन के ऊपर चला जाएगा. मतलब ये इंडस्ट्री कभी भी रुकने वाली नहीं है. इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो टर्नओवर है, ये हमेशा बढ़ता रहेगा. एंड दिस इंडस्ट्री कैन नेवर स्टॉप बिकॉज हर कंपनी हर मैसेज लोगों तक पहुंचने के लिए ये एडवर्टाइजमेंट का जरिया ही इस्तेमाल करना पड़ता है. बिकॉज माउथ टू माउथ आप कितने लोगों तक पहुंच पाओगे, न्यूज़पेपर से आप कितने लोगों तक पहुंच पाओगे. सो ये जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है और आज का जो नया दौर है डिजिटल का, माध्यम से एयर वर्ल्ड इंडस्ट्री हो या मीडिया पब्लिशिंग हो, फूड हो, ऑटोमोटिव हो, एंटरटेनमेंट हो, फाइनेंशियल हो, कॉस्मेटिक्स हो, टेलीकॉम, बहुत बहुत अनिवार्य हो गया है. उसके बगैर आप लोगों तक पहुंच ही नहीं सकते. कौन करता है ज़्यादा खर्चा, हु स्पेंड्स द मोस्ट? अगर आप देखोगे ये बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जैसे यूनिलीवर है, अमेजोन है, मारुति सुजुकी है, ड्रीम इलेवन, ऐसे बहुत बहुत बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज हैं. ये एडवर्टाइजमेंट पे अपने ब्रांड को लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत सारा एक्सपेंसेस करते हैं, बहुत अमेजोन के आपको आप एक स्वेशन की ऐड को आप काउंट करना शुरू कर दीजिए एंड यू विल फाइंड सो मेनी टाइम्स अमेजॉन जैसी कंपनीज
एड्स को हर टीवी चैनल पे ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो ये ऑल अगर उसको करिए तो आपको पता चलेगा कितना एक्सपेंड किया ऑन द एडवर्टाइजमेंट, कितना एक्सपेंडिचर। आपकी आवाज बहुत कट रही है अपनी ओके आवाज में। सो और ये एक्सपेंसेस जो होते हैं द एट द कॉस्ट ऑफ सेलिब्रिटी। वन सेकेंड, आई विल क्लोज माई व्हाट्सएप मे बी। बैड डे या ट्रेडिंग स्टॉक्स।